मास्क मांगा तो मिली हाथ पैर तोड़ने की धमकी। तो हमें बेइज्जती करके भगा दिया कि यहाँ से चले जाओ नहीं मैं हाथ पैर तोड़वा दूंगा। सैनिटाइजर मांगा तो काट ली गई सैलरी। तो हमारी सैलरी 20,390 थी, उसमें हमें 10,000 दिया जा रहा है। सेफ्टी किट मांगी तो नौकरी से निकाल दिया। ऐसी महामारी में आइसोलेट वार्ड पर ड्यूटी लगाई गई है, उसमें जो है कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब से सबने मांग करी है कि किट्स की, सैनिटाइजर की, ग्लव्स की, मास्क की ये प्रोवाइड की जाए। बांदा का बदमाश प्रिंसिपल। तो उसमें प्रिंसिपल साहब जो है हम लोग को टर्मिनेट कर दिया गया, उससे लेके हम वार्तालाप करने गए हैं। काले रंग का मास्क पहने एक नर्स अपना दर्द बयां कर रही है तो दूसरी कपड़े से मुंह ढककर सुबक रही है। बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज की इन छात्राओं का आरोप है कि नर्सों को मास्क, सैनिटाइजर और पर्सनल सेफ्टी किट तक नहीं दी जा रही, उन्हें कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और जब प्रिंसिपल से जरूरी चीजें मांगी तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। बांदा राजकीय मेडिकल कॉलेज में 3 दिन से आउटसोर्सिंग का जो है मांगों को लेकर जो है कार्य बहिष्कार किया गया है कि ऐसी महामारी में आइसोलेट वार्ड पर ड्यूटी लगाई गई है, उसमें जो है कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो प्रिंसिपल साहब से सबने मांग करी है कि किट्स की, सैनिटाइजर की, ग्लव्स की, मास्क की ये प्रोवाइड की जाए, तब हम ड्यूटी करेंगे। और उसमें जो है प्रिंसिपल साहब जो है हमने मांग रखी है, तो उसमें प्रिंसिपल साहब जो है हम लोग को टर्मिनेट कर दिया गया, उससे लेके हम वार्तालाप करने गए हैं। तो हमें बेइज्जती करके भगा दिया कि यहाँ से चले जाओ नहीं मैं हाथ पैर तोड़वा दूंगा। और ये योगी जी का आदेश आया है आप लोग को निकालने का। अब इसमें ये बताइए, एक तो हमारी सैलरी कम कर ली गई है, जो हमारी सैलरी 20,390 थी उसमें हमें 10,000 दिया जा रहा है, कोई शासन आदेश नहीं आया है सैलरी कम करने का। और जो हमारे अकाउंट में आई हुई है वो सैलरी कम कर दी गई है, हमारे फार्मासिस्ट की सैलरी कम कर दी गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर ये वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा, इस समय हमारे मेडिकल स्टाफ को सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत है, वे जीवनदाता हैं और योद्धा की तरह मैदान में हैं। बांदा में नर्सों और मेडिकल स्टाफ को उनकी निजी सुरक्षा के उपकरण न देकर और उनके वेतन काटकर बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। यूपी सरकार से मैं अपील करती हूँ कि ये समय इन योद्धाओं के साथ अन्याय करने का नहीं बल्कि उनकी बात सुनने का है। इससे पहले भी लखनऊ की एक नर्स ने यूपी में बदहाली को बयां किया था। सरकारों को यह समझना होगा कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के सम्मान में सिर्फ थालियां बजाने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया करानी ही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। जरूरी सूचना, द शूद्र के सभी दर्शकों से अपील है कि आप हमारे नए YouTube चैनल द रिपोर्ट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि द शूद्र को बंद करने के लिए मनुवादी साजिश रच रहे हैं। द रिपोर्ट इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।